आज मैं बहुत ही छोटे छोटे यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके किचन के घर के काम को आसान बनाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जो कि रोज़ की तरह आपके घर के काम को आसान बनाएगा। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो रोज़ की तरह एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलिए बिना देर के हुए झटपट से बताती हूँ। ये चने की दाल, चना, राजमा और छोले वाला चना है ये, मूंग, मसूर जो भी दालें आती हैं उनको आप कैसे स्टोर करें। इस तरह से जब भी आप दाल लेके आएँ उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल या तो आप हाथ में लगा लीजिए या तो थोड़ा सा दो चार बूंद डालकर इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करके इसे एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। आपकी दाल हो, राजमा हो, चना, मसूर, साबुत अनाज जो भी होंगे, मूँग, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये काफ़ी लंबे टाइम तक इसी तरह से बने रहेंगे, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इसमें सर्दी नहीं लगेगी। तो आप जब भी दाल, साबुत अनाज, चना, राजमा, ये सब छोले लेके आएँ इसमें आप तेल हल्का सा ज़रूर लगाएं। अगली टिप है हमारी, जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है तो इसमें आइस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ रही है तो आइस को झटपट से जमाना होता है। जल्दी से जमाने के लिए आपको लेना है गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी को इस तरह से आइस के ट्रे में डाल देना है और इसे रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी आइस जो कि 8-10 घंटे में जमती थी ये 2-3 घंटे में अच्छे से जमकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसका ज़रूर यूज करें। अब हम बात करते हैं इस तरह के प्लेट, थाली, भगोना जो भी बर्तन होते हैं वो दवा का जो ये रेपर है ये बचता है जिससे हम फेंक देते हैं, मतलब कचरा समझ के। लेकिन इससे आप इस तरह से किनारों को जब साफ़ करते हैं बिल्कुल अच्छे से सारी गंदगी को निकाल देता है। इसमें कभी स्क्रब फंस जाता है, कभी जूठे फंस जाते हैं, तो इसको कभी कभी हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो ये दवा का रैप बहुत ही काम का होता है। इस तरह से देखिए हमने लिया है इसको, आप जैसे साबुनदानी नहीं मिल रही है आपको तो आप इस तरह से फटाफट से रख सकते हैं इसके ऊपर साबुन, तो इसमें साबुन गलेगा भी नहीं और जो पानी होगा इसके ऊपर निकल जाएगा क्योंकि इसमें इस तरह से बना होता है, होल होते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी आप रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप हमारी है, गर्मी आ रही है तो इसमें दही बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। जब भी हम दही को जमाते हैं एक दिन रहेगा दूसरे दिन तो ये खट्टा हो ही जाता है। तो इसको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी दही खट्टी ना हो, तो खट्टी दही ना हो उसके लिए आपको करना है, ये जो दही है इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी, जो कि पानी पिया जाता है, पीने वाला पानी जो भी आप पीते हैं उसको मिलाकर आप इस तरह से इसका पानी जो है इसको बाहर निकाल दीजिए। अब पानी को आप फेंकिए बिल्कुल भी नहीं, इस पानी से आप आटे को गूंथ सकते हैं, इस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं। और एक बार धुलने के बाद आप दोबारा इसे फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर, और फिर इसका पानी जो है निकाल दीजिए, क्योंकि दही हमारी खट्टी नहीं होती है, दही का पानी जो होता है वो खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप पानी को फेंकिए नहीं, पानी भी काफ़ी यूज़फुल है, इससे पनीर भी बना सकते हैं। जैसे कि दूध में डालेंगे तो पनीर, दूध फट जाएगा, पनीर बनकर तैयार होगी। पौधों में डालेंगे तो पौधों का विकास होगा, और इससे आटा गूँथेंगे तो आटा भी अच्छे से गूँथ कर सॉफ्ट रोटी बनेगी क्योंकि हल्का सा खट्टा आटा होता है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से आप अपनी दही को ताज़ा कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है, इस तरह से चाकू हमने लिया है जो कि पुराने हो गए हैं तो कुछ टूट गए हैं तो कुछ इस तरह से छिलनी, तो आप इसको किस तरह से यूज़ करें, जो कि टूट गया है, जो कि घिस गए हैं और जिसमें कि धार भी बिल्कुल नहीं रही है, अब ये टूट भी चुका है, अब इसको क्या करना चाहिए। अब नाइफ को हमें इस तरह से फेंकना नहीं है, अगर इसके हम इसको बना लेते हैं तो ये 2-3 महीने फिर काम करेगा। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, गैस को हम ऑन करेंगे और इस गैस पे चाकू को रख देंगे जिधर से हमको जोड़ना है इस तरफ से, और ये जो प्लास्टिक का चाकू है इसको भी हल्का सा गर्म करेंगे और ये जो घिस चुका है इसको भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद आप इसे कप में या हल्का सा घिसते हैं तो आपका जो चाकू होगा बिल्कुल अच्छे से तेज़ हो जाएगा, और ये जो टूटा हुआ चाकू है इसको आप हल्का सा गर्म करेंगे और एक प्लास्टिक के हैंड में इस तरह से जो पकड़ने वाला हैंडल होता है इसमें इस तरह से घुसा दीजिए, तो आपका चाकू जो होगा बिल्कुल चिपक जाएगा, 2-3 महीने तक फिर अच्छे से चिपक जाएगा, काम देगा। बस इसको आपको छूना नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो दूसरे चाकू की हेल्प से इस तरह से हल्का सा दबा दीजिए ताकि प्लास्टिक अच्छे से चाकू के ऊपर आ जाए।
जाए, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, काफ़ी आपकी बचत होगी। तो जब भी आपके चाकू टूटते हैं या कुछ होते हैं, तो इस तरह से आप एक बार दो बार ट्राई करके आप यूज में इसे ले सकते हैं। तो है ना काफ़ी यूजफुल टिप, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। और जैसे कि हमने बोला था कि चाकू की जो ये धार होती है घिस जाती है, छिलनी की धार जो होती है ये घिस जाती है, तो इसको हम इस तरह से कैसे करें, इसको भी आप हल्का सा गर्म करके, छिलनी को गर्म करके, चाकू को गर्म करके आप इस तरह से कप के ऊपर घिसते हैं, तो आपका छिलनी का धार, चाकू का धार बिल्कुल अच्छे से तेज़ हो जाता है। और ये काफ़ी यूजफुल टिप्स है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप हमारी है जो कि पेपर सोप होते हैं, तो मैं साबुन को कद्दूकस क्यों कर रही हूँ। साबुन को हमने कद्दूकस किया और इसमें डालेंगे गर्म पानी, तो आप कोई सा भी साबुन ले सकते हैं, तो गर्म पानी डाल दिया इसलिए कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हमारा साबुन अच्छे से घुल मिल गया है, मेल्ट हो गया है। अब हमने लिया A4 साइज़, आप कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। इस पेपर पे A4 साइज़ के पेपर पे साबुन को हमें अच्छे से लगा देना है, एक तरफ तो लगाएंगे ही, दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से लगा देना है। तो आप पेपर सोप खरीदेंगे नहीं दोबारा इस तरह से जब बनाएंगे, अभी सब गाँव जा रहे हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं, तो इस साबुन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हम खरीदे नहीं, इस तरह से अपने घर में बना कर रख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ भी इस साबुन को हमें लगा देना है, और इसे पंखे के नीचे सुखा सकते हैं आप या कि धूप में। मैंने इसे धूप में रख दिया था, तो 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से सूख कर तैयार हो गया था, जो कि रेडीमेड से भी अच्छा हमारा पेपर सोप बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा साबुन भी लगा सकते हैं। अपने हाथ से लगाते हैं तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, तो ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, छोटा सा पेपर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फेस वॉश की। फेस वॉश हमने लिया है, हैंड वॉश, फेस वॉश, बॉडी वॉश, तीनों का काम करता है ये। तो आप जब सफ़र में जाएंगे तो फेस वॉश नहीं लेना है, तो इसको आप पेपर को ही अपने जेब में डाल सकते हैं। तो इस तरह से पेपर में हमने अच्छे से लगा दिया है एक तरफ, और दोनों तरफ इस फेस वॉश को मैं अच्छे से लगा दूंगी, जो कि एलोवेरा का है, ये सफ़र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमने इसको अच्छे से फैला दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से लगा दूंगी, और थोड़ा सा चिपक जाता है तो कागज़ को अलग करके फिर दोनों तरफ अच्छे से फेस वॉश को लगा कर इसे धूप में रख देना है। 1 से 2 घंटे में बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल अच्छे से दोनों पेपर सूख कर तैयार हो गए हैं 2 घंटे में। आप फैन में सुखा सकते हैं, आप इसका थोड़ा सा दाग पड़ा लेकिन बिल्कुल कड़क हो गया है, देखने में लग रहा है इसे, बाकी एकदम कड़क सूख कर तैयार हुआ है। तो काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसे एक पेपर में आपका 16 पेपर सोप तैयार होता है, जो कि आप एक बार सफ़र करते हैं बहुत ही अच्छे से पार हो जाता है। कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा काम है। अब इसको हम छोटे से बैग में, जिप लॉक में डाल देते हैं, और इस तरह से आप इसे कहीं भी जेब में डाल लीजिए, आप जब भी ज़रूरत हो इस तरह से आप ले लीजिए। तो है ना काफ़ी यूजफुल टिप, और पेपर सोप बनाना बिल्कुल आसान, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि काफ़ी यूज़फुल है सफ़र के लिए और बच्चों के लिए, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी मन होता है आप इस तरह से फटाफट से साबुन को तैयार करके रख सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज़ करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। हाथ को हल्का सा गीला करना है और थोड़ा सा एक पेपर लेना है, देखिए किस तरह से, क्योंकि हमने साबुन लगाया तो थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा कम, जिस तरह से हमने बताया। तो आप अच्छे से, ज़्यादा यूज़ करने की आदत है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा दीजिए, कम यूज़ करने की आदत है तो थोड़ा सा कम। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका पेपर सोप बनकर तैयार हो जाता है, जो कि यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है, और अपने हाथों से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब कुक वेज मंजू में बस आज के लिए इतना ही है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।